हेलो फ्रेंड, मैं हूं चंदन। आज हमने फ्लिपकार्ट से परचेस करा है मोटरोला 120 वाट होम थिएटर, जिसे आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए तो अब हम लोग इसको ओपन करते हैं। वाह, बहुत अच्छे से पैकिंग करके मिला है। फ्लिपकार्ट की सर्विस अच्छी है अभी तक तो फिलहाल। देखिए ऊपर के साइड में दो स्टैंड और दो स्टैंड इस साइड में है और बीच में वायर वगैरह रखे हुए हैं और बैटरी भी साथ में आए हैं। सबसे पहले इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। रिमोट बहुत ही क्यूट सा है, छोटा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेनू बुक है, इसको आप पढ़ के भी लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सारे घर में। ये वायर है उनके, ये देखिए। और ये बैटरी है, अब हम लोग ओपन करते हैं होम थिएटर को। ये स्टैंड है, इसको साइड में रख देते हैं। ये स्पीकर है, स्पीकर को ओपन करते हैं। ये देखिए स्पीकर, हमें ये सारी बॉक्स से निकाल लिया है। ये हमारा साउंड सिस्टम है और ये चार स्पीकर है साथ के, साथ में स्टैंड भी है। तो हम लोग इसको स्टैंड कैसे फिट करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये स्पीकर लेंगे और इसमें स्टैंड फिट करेंगे। सिंपल है, इसको इस तरीके से डालना है और इसको घुमाना है ऐसे। देखिए इस तरीके से लगाना है और इसको घुमाना है। एक में स्टैंड लगा लिया है, ऐसे ही चारों में स्टैंड लगाएंगे। सेम ये साउंड सिस्टम, मेन साउंड सिस्टम है। हमने सारे स्टैंड लगा दिए सब में, अब इसको वायर कनेक्ट करेंगे। ये वायर यहाँ पे वायर कनेक्ट करने के लिए है। ये आप एक इसमें डाल दीजिए, दो तीन एंड चार। ये कनेक्ट करने के बाद इसमें एक चीज और भी दिया है, इसमें HDMI पोर्ट दिया है। इसने टीवी से डायरेक्ट HDMI को कनेक्ट कर सकते हैं। अब रिमोट में बैटरी डाल देते हैं, बैटरी साथ में ही आई थी। ठीक है,
अब ऑन करते हैं होम थिएटर। वाव ग्रेट, थैंक्स फॉर मोटरोला। लाइटिंग सिस्टम तो बहुत ही मस्त है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें पेन ड्राइव डालते हैं। इसमें पेन ड्राइव का ऑप्शन है, आप एसडी कार्ड भी डाल सकते हैं। इसमें पेन ड्राइव और एसडी कार्ड दोनों साथ में भी डाल सकते हैं। मैं पेन ड्राइव डाल दिए और साउंड चेक करते हैं। साउंड मूड चेंज कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये प्लास्टिक हटा देते आगे से, देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। और इन्होंने स्पीकर में ही, बूफर में ही, सिस्टम में इन्होंने दो चार छह ऑप्शन दिए हैं, स्कैनिंग का, साउंड का, बास का और सोर्सेस लाइट बंद चालू करने का, नेक्स्ट, ऐसा करके उन्होंने साउंड सिस्टम में ही ऑप्शन दिए हैं। आपके पास अगर रिमोट की बैटरी डाउन है तो वहां से भी कर सकते हो आप। और ये ऊपर में पेन ड्राइव लगा सकते हैं, एसडी कार्ड लगा सकते हैं। ये हमने पुश कर दिया है और डिस्प्ले भी है और साथ में एलईडी लाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, चार पांच तरह लाइटें रिफ्लेक्ट करती है, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, और तो अच्छा, मतलब अट्रैक्टिव लगता है ये स्पीकर। और साउंड की क्वालिटी भी अच्छी है। और इस साइड में बूफर लगी हुई है, इस साइड में फिर से एक बार साउंड बजाकर देखते हैं कैसी है।
और रिमोट में बहुत सारे ऑप्शन भी दिए हैं, आप नेक्स्ट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, साउंड अप डाउन कर सकते हैं, और ये बेस के लिए दिया है उन्होंने। और एलईडी लाइट भी चेंज कर सकते हो आप, इक्वलाइजर भी चेंज कर सकते हो, मूवी साउंड भी डाल सकते हो इसमें। ये सारे रिमोट की फैसिलिटी है, और साथ में आपको FM की भी इसमें फैसिलिटी मिल रही है स्पीकर में। आपने साउंड सुना ही है, अच्छा लगा होगा आपको। FM लगाने के लिए आपको ये सोर्स पे बटन क्लिक करना है, तो वहाँ FM का ऑप्शन दिखने लगेगा स्क्रीन पे, और उसके बाद आप सर्च करेंगे तो FM कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। और ये स्पीकर की साउंड वॉल्यूम ज़्यादा कम यहाँ से कर सकते हो आप, ये है। आपको ऐसे मोबाइल के साउंड में पता नहीं चलेगा इसकी साउंड, एक्चुअली साउंड की क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है, और इनके जितने भी बार है ना उसको, तो उसकी साउंड भी बहुत ही अच्छी है। जो आपको मैंने बजाकर सुनाया, लेकिन इसमें इतना पता नहीं चलेगा, आप परचेज करोगे और आप घर में लाओगे फिर उसके बाद ही पता चलेगा। इनकी बूफर की भी साउंड बहुत ही अच्छी है, और इसका एक्चुअली लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसका लाइटिंग का जो कॉम्बिनेशन है एंड बार्स वगैरह, चार बार इसको साउंड बार भी बना सकते हैं हम लोग। ये दोनों स्पीकर को जोड़ सकते हैं अपन, स्टैंड निकालना है, और जैसे आप स्टैंड लगा रहे हो ना वैसे दोनों स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो आप, तो वो साउंड बार जैसा हो जाएगा आपका। मैं आपको बता देता हूँ दो में से सिंगल साउंड बार कैसे बनाना है। फर्स्ट स्टैंड निकालना है इसकी, और ये देखिए सेम इसको आपको इसमें कनेक्ट करना है। वाह, देखिए ये हो गया साउंड बार। अब इसको हम लोग सामने रखते हैं, फिर बजा कर देखते हैं कैसा बजता है। ओके, स्टार्ट। आपने देखी साउंड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इनकी। हम लोग इसको अंधेरे में म्यूजिक के साथ लाइट को चेक करते हैं। मैंने ये होम थिएटर फ्लिपकार्ट से परचेज करा है, अभी सेल्स अच्छे चल रहे हैं, ऑफर भी मिल रहे हैं। मैंने ये 8000 में परचेज करा है, और मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं आपको रिव्यू देते रहूँगा नए प्रोडक्ट के बारे में। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। थैंक यू।